हेलो गाइस, दिस इज रितेश और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पीएचपी के अंदर कुकीज़ को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम कुकी वेरिएबल को रिमूव कर सकते हैं और कैसे हम किसी कुकी वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक पाथ के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक के हमने पिछले दो वीडियोज़ में देखा कि परसिस्टेंट कुकी और नॉन परसिस्टेंट कुकी को कैसे क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ सेट कुकी फंक्शन। सेट कुकी फंक्शन का ये जनरल सिंटैक्स है जिसको आप 6 पैरामीटर्स के साथ यूज कर सकते हो। इसमें से हमने नेम, वैल्यू और एक्सपायरी, इन तीनों पैरामीटर का यूज देखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कुकी वेरिएबल को मॉडिफाई कैसे करना है। तो वही एग्जांपल हम ले रहे हैं जो हमने पिछले वीडियोज में यूज किया है। So let me run this example. ये फॉर्म मैंने डिजाइन किया है कुकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और कुकी क्रिएट होके इस सेकेंड वाले पेज के ऊपर उनके वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड पेज सी शो। किसी भी कुकी वेरिएबल को अगर आपको मॉडिफाई करना है, यू हैव टू यूज द सेम फंक्शन सेट कुकी। और इसकी जो सेकेंड पैरामीटर है वैल्यू, यहाँ पर आपको न्यू वैल्यू एंटर करनी है तो जो कुकी वेरिएबल है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो मैं इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर दोबारा से इस वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूँ। जस्ट रिफ्रेश दिस पेज सो यू कैन सी हियर न्यू वैल्यू। इट इज़ वेरी इजी टू मॉडिफाई द कुकी। सेकेंड, अगर किसी कुकी को आपको रिमूव करना है तो जो थर्ड पैरामीटर है जिसमें आप एक्सपायरी सेट कर रहे हो इन सेकेंड्स, करंट डेट में आप सेकेंड्स यहाँ पर ऐड कर रहे हो। जैसे यहाँ पर मैंने करंट डेट में 60x60 मीन्स 1 मिनट मैंने इसकी एक्सपायरी यहाँ पर सेट की थी, तो इसी वैल्यू को आपने माइनस में सेट करना है। सेकेंड्स कितने भी हो सकते हैं, तो जो भी करंट डेट टाइम है माइनस, मतलब आप प्रीवियस टाइम सेट कर रहे हो, मतलब वो कुकी वहां से रिमूव हो जाएगी। तो इसी को दोबारा से हम रिफ्रेश कर देते हैं तो यू कैन सी हियर अनडिफाइंड इंडेक्स यूजर, कुकी वेरिएबल यहां से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। लेट मी क्लियर हिस्ट्री। नेक्स्ट हमको देखना है कि किसी भी कुकी वेरिएबल को आप किसी स्पेसिफिक पाथ के लिए रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हो। यहां पर मैंने कुकी को रीड करने के लिए दो पेजेस डिजाइन किए हैं। दिस इज द सी शो डॉट पी एच पी जो कि D1 नाम के फोल्डर में है एंड सी शो डॉट पी एच पी द सेम पेज आई हैव कॉपी पेस्ट जो कि D2 नाम के फोल्डर में है, राइट। तो यहां पर भी कुकी का डेटा क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, रिमूव का कोड। दोनों पेजेस के ऊपर कुकी रीड हो रही है और यहाँ पर कुकी क्रिएट हो रही है विथ एक्सपायरी 1 मिनट। और मैं चाहता हूँ कि इस कुकी को मुझे एक्सेस देना है स्पेसिफिक पाथ के लिए। अगर D2 के इस D2 फोल्डर के अंदर का सी शो पेज इस कुकी को रीड करे तो डेटा रीड हो जाए, और D1 अगर इसे एक्सेस करने की कोशिश करे तो D1 के लिए मुझे वो राइट नहीं देने हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल क्रिएटिंग कुकी, आपको ये फोर्थ पैरामीटर सेट करना है, दैट इज पाथ, कि इस कुकी को आपको कौन से पाथ के लिए वैलिड रखना है। सो इट इज वेरी सिंपल, आई विल जस्ट राइट हियर D2 एंड स्लैश। तो इस D2 फोल्डर के अंदर के सभी पेजेस इस कुकी वेरिएबल को रीड कर सकते हैं, और D2 के अलावा अगर किसी और पेज ने या फिर किसी और पाथ के पेज ने कुकी को एक्सेस करने की कोशिश की तो वो कुकी वहां पर अवेलेबल नहीं रहेगी। तो कुकी हमने इस तरीके से यहाँ पर सेट की है और देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, लोकेशन सी शो डॉट पी एच पी जो कि बाई डिफॉल्ट इस D1 फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। लेट मी ट्राई दिस।
So I will just create the cookie again, and you can see here username and email that is undefined. Okay, now simply if you put here D2 and just load this page, so this data will be available. So काफी simple है the path parameter. Next जो parameter होता है domain, यही काम आप किसी specific sub domain के लिए भी कर सकते हो. अगर आपने आपकी website को host किया है और आप चाहते हो कि किसी domain को particular domain को cookie valid हो और किसी domain को ना हो, तो वो आप यहाँ पर set करके रख सकते हैं. और जो last parameter यहाँ पर है security, आप आपके कुकी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो HTTP या फिर HTTPS के लिए. तो सिक्योरिटी में आपको बुलियन वैल्यू देनी होती है. अगर आप यहाँ पर वैल्यू दे देते हो 0, तो ये कुकी वैलिड होगी HTTP रिक्वेस्ट के लिए. और अगर आप यहाँ पर दे देते हो 1, सिक्योरिटी 1, तो अगर आपका पेज HTTPS URL के साथ ओपन हो रहा है तो ही जाके कुकी का डेटा रीड होगा. HTTPS आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर में आता है, जो कि स्पेशल सिक्योरिटी के अंदर ओपन होता है, तो वहीं पर वो कुकी वैलिड होती है. डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है इस सिक्योरिटी की वो 0 होती है. तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को सेट कर देता हूँ 1, और दोबारा से हमें कुकी को क्रिएट करना पड़ेगा. तो जो ब्राउजर हमने यहाँ पर ओपन किया है, नाउ दिस इज द परसिस्टेंट कुकी, मुझे यहाँ से इस कुकी को क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कुकी का डेटा वहां पर रीड हो जाएगा. सो लेट्स क्लियर दिस एंड अगेन रीलोड द पेज. D1 के अंदर cdemo.php, लेट मी क्रिएट द कुकी. ओके, यहां तो नहीं बताएगा क्योंकि हमने एक वैलिड पाथ दिया है, उसी पाथ को कुकी वैलिड है. एंड लेट्स जस्ट सी अभी D2 के लिए भी ये ओपन होती है या नहीं. सो अगेन यू कैन सी हियर यूजर नेम अनडिफाइंड एंड ईमेल आल्सो अनडिफाइंड. बट इसी वैल्यू को अगर आपने 0 सेट कर दिया, द कुकी विल क्रिएट एंड विल बी एक्सेस्ड. सो लेट्स रन दिस अगेन D1. ओके, इस पाथ के लिए तो वैलिड नहीं है, हम D2 यहां पर दे देंगे. नाउ इट इज वैलिड. सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुकी को मॉडिफाई कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, और किसी स्पेसिफिक पाथ के लिए कुकी को एक्सेस कैसे देना है. वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.